हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती आई हुई है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और इसी संबंध में बच्चों के कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर है। तो इसके पहले पहले आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म जो है वो फिल कर दें। अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें कि अभी तो काफ़ी दिन है, बाद में फिल कर देंगे। बाद में साइट वगैरह क्रैश होने लगती है और साइट अच्छे से नहीं चलती है, तो ऐसा ना हो कि आप इसमें चूक जाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मौका मिला है। तो इसका फॉर्म आप जल्द से जल्द फिल कर दें। और बहुत से बच्चों के जो क्वेश्चन थे वो आ रहे थे लगातार, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर भी लगातार बच्चे जो है पूछ रहे थे कि सर इसमें क्या है, या हम फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, बट ग्रेजुएशन में था, बीटेक में था। तो ऐसे बहुत से बच्चे लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए कि कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा, ट्रिपल सी नहीं है, अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है तो क्या वो चल जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। और एक क्वेश्चन ये भी था कि बीटेक में क्या अलग से कंप्यूटर हमें उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अलग से एक सर्टिफिकेट अगर हमारे बीटेक में था और ग्रेजुएशन में कंप्यूटर था, कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन, तो भी अलग से चाहिए होगा सर्टिफिकेट या नहीं, या उसी से हम फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से किया है हमने, 1 साल का डिप्लोमा किया या 6 महीने का डिप्लोमा किया, तो क्या वो चलेगा, मान्य होगा या नहीं होगा। तो ये सारे ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे लगातार बच्चों के, और जो क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। इसके पहले आप ये देखिए, जो यहाँ पर आपको इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दी गई है, इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि आपके पास पहली चीज़ तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अब बात करें अगर कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा की, तो ये देखिए सीधा सीधा दिया हुआ है 2 नंबर पॉइंट पे, क्या दिया है कि डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। मतलब कि आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो, कंप्यूटर साइंस में हो या एप्लीकेशन हो, दोनों एक ही बात है, इसमें होना चाहिए, ठीक है, तो आप मान्य होंगे। दूसरी चीज़ लिखा है ओ लेवल, अगर आपके पास ओ लेवल है। बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि हमारे पास ट्रिपल सी नहीं है, ओ लेवल है तो भर सकते हैं, तो बिल्कुल भर सकते हैं, ट्रिपल सी से बड़ा होता है ओ लेवल। तो अगर आपके पास ओ लेवल है तो घबराने की और ये चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ट्रिपल सी वालों को भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रिपल सी और ओ लेवल वाले तो ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं है बच्चे, इन्हें तो पहले से ही पता है कि ये चल जाएगा। लेकिन जो डिग्री और डिप्लोमा इसमें है, बहुत सारे बच्चे जो हैं कन्फ्यूज़ हैं। अब बात करते हैं कि क्या बीटेक वालों को अलग से कंप्यूटर डिप्लोमा जो है ट्रिपल सी या ओ लेवल की ज़रूरत है। तो देखिए, अगर आपने बीटेक जो किया है इलेक्ट्रिकल या इन बाकी फील्ड से किया है तो आपको चाहिए होगा। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है, आईटी से किया है, तो वो तो खुद ही में कंप्यूटर है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं होगी। जिन्होंने इससे किया है साइंस वगैरह से, कंप्यूटर साइंस से, तो वो लोगों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ट्रिपल सी या ओ लेवल की या अलग से किसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। लेकिन जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रीशियन से या फिर ऐसे अलग फील्ड से किया है, तो उनको जो सर्टिफिकेट की ज़रूरत है कंप्यूटर के, वो रहेगी। अब दूसरी बात करते हैं कि एक सब्जेक्ट के तौर पे था, एक सेमेस्टर में था, तो क्या मान होगा? तो नहीं, एक सेमेस्टर में था तो भी मान्य नहीं होगा, या एक साल था दोनों सेमेस्टर में था तो भी मान्य नहीं होगा। अगर तीनों साल में रहा होगा आपके, तो एक सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर वो मान्य किया जाएगा। और सेम चीज़ ग्रेजुएशन वालों के में होगी, जो भी बीकॉम किए होंगे, बीएससी किए होंगे या बीए किए हैं, जो भी किए हों, और उनका एक सेमेस्टर में अगर था या फिर 2 सेमेस्टर में था और पूरे साल में था, मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या मान्य होगा? तो नहीं, मान्य नहीं होगा। मान्य आपका तभी माना जाएगा जब तीनों साल में रहा हो एक सब्जेक्ट के रूप में। सेमेस्टर में होगा तो वो एज अ सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। पूरा साल तीनों साल में होना चाहिए, या फिर 2 साल का होता है तो 2 साल में एक सब्जेक्ट छोड़ना रहता है कहीं कहीं पर, तो 2 साल रहा होगा तो भी आपका मान्य कर लिया जाएगा। वरना आपको अलग से जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उन सब की ज़रूरत होगी, या तो आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए या फिर आपके पास ओ लेवल हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब बात करते हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से, अगर आपने प्राइवेट किया है 1 साल का डिप्लोमा, 6 महीने का डिप्लोमा, तो क्या वो मान्य होगा? तो देखिए, ये आपने ऐसे किया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर लिया है और उसने अपना नाम का प्रमाण पत्र बना के आपको दे दिया कि आपने उसके यहाँ 1 साल सीखा है, और ऐसे करके कुछ भी दे दिया,
तो वो माने नहीं होगा क्योंकि वो प्राइवेट है, ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट से बनवा के और ये नहीं चलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज से हो या इंस्टीट्यूट से हो और गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया हो अगर वो प्रमाण पत्र, तो ही माने होगा। जैसे कि आप DCA किए हों, PGDCA किए हों, ये सब भी किए होंगे तो भी चल जाएगा, ये चलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हमने कर लिया है तो क्या ये मान्य होगा, तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में कि CCC, O-Level, ये PGDCA, DCA, ये सारी चीज़ें आपने की हैं, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया होना चाहिए आपका जो सर्टिफिकेट है, तो वो मान्य होगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा मान्य किया गया होगा तो वो मान्य नहीं होगा। और सेम चीज़ ग्रेजुएशन और BTech वालों के लिए भी बता दिया है कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है, एप्लीकेशन से किया है, तो वो तो मान्य होगा। लेकिन अगर केवल एक सेमेस्टर में आपके कंप्यूटर था तो वो मान्य नहीं होगा। सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। अगर अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जितने बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे उसी आधार पर यहाँ पर सारी जो चीज़ें थी वो आपको डिटेल में बता दी गई। तो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट एवं जानकारियाँ यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती हैं। थैंक यू।